हिमालय के ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शांग्री-ला, शंभाली और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भविष्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ अमर होने का राज छिपा हुआ है। हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं तिब्बत में भी बहुत फेमस है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं इस जगह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को। ये ऐसी जगह है जो सिर्फ सिद्ध पुरुषों को ही आसानी से मिलती है। यहाँ आम मनुष्य नहीं जा पाते। ज्ञानगंज में कोई मृत्यु नहीं होती। यहाँ रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। इस मठ में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि यह जगह सैटेलाइट में भी नहीं दिखती। यह जगह किसी खास धर्म या कल्चर की नहीं है, न ही ईस्ट या वेस्ट से जुड़ी है। लेखक जेम्स हिल्टन की किताब लॉस्ट होराइज़न अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ शांग्री-ला इसी जगह का जिक्र हुआ है। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का संदर्भ आता है। इनमें इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। तो आइए अब जानते हैं कि बुद्धिज्म का इस जगह से क्या संबंध है। बुद्धिज्म ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में जान लिया था। उन्होंने जिन लोगों को इनका ज्ञान दिया था उसमें से एक राजा सुचंद्र थे। वे इस ज्ञान के साथ जब अपने राज्य आ गए तो तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। इसका मतलब होता है खुशियों का स्रोत। कहा जाता है कि यह जगह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। बुद्धिज्म यहाँ किसी न किसी तरह पहुँच जाते हैं, पर सबको यहाँ का रास्ता साफ साफ समझ में नहीं आता। ये जगह इस तरह बनी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैपिंग सिस्टम भी इसे ढूंढने निकालने में समर्थ नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि मॉडर्न साइंस इसे क्या कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार बुढ़ापा एक बीमारी है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया जैसे देशों में बहुत लंबी स्टडी के बाद ये पता लगाया गया कि अगर बॉडी में नए सेल्स बनते रहें और ऑर्गन्स किसी तरह हमेशा हेल्दी रह सके तो इंसान हजार साल से भी ज़्यादा जी सकता है। यही बात आयुर्वेद में भी कही जाती है। ज्ञानगंज के योगी योग से अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बॉडी में हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मॉडर्न साइंस में इमोशंस कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मृत्यु पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म या कल्चर की नहीं है। जो भी इसके लायक होता है वह इसे ढूंढ ही लेता है। 1942 में एक अंग्रेज अफसर एलपी फरेल को इस जगह पर कुछ खास अनुभव हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने 1959 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में लेख प्रकाशित करवाई थी। तिब्बती बुद्धिस्ट का मानना है कि जब दुनिया में युद्ध होगा तो शंभाला का 25वां शासक इस धरती को बचाने आएगा। योगी विशुद्धानंद ने भी इस आश्रम की शक्तियों को महसूस किया था। ज्ञानगंज मठ हिमालय में तिब्बत के वेस्टर्न रीजन से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्राचीन आश्रम स्वामी ज्ञानानंद परमहंस ने बनवाया था। तो देखा दोस्त, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से इस अद्भुत जगह के बारे में पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस जगह से जुड़ी और भी जानकारियाँ हो सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप किसी अन्य जगहों के बारे में जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रॉक एफएम से मैं हूँ आरजे नीरज, धन्यवाद।